गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। अभी अभी सूचना मिली है थोड़ी देर पहले कि जो स्कीम आप लोगों की बीए बीएससी की या पीजी कोर्सेज की जो स्कीम आपकी डाली गई थी कल यूनिवर्सिटी की साइट पर, वो हटा ली गई। बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान होंगे कि आखिर ये स्कीम क्यों हटा ली गई, क्या कारण है, या एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। कई तरीके की न्यूज़ आ रही हैं यूट्यूब पर, आप लोग उसे देख भी रहे होंगे, लेकिन मैं तब तक आपको नहीं बताता हूँ कोई भी चीज़ जब तक ऑथेंटिक रूप से वो चीज़ यूनिवर्सिटी के द्वारा विद्यालय को या कोई नोटिफिकेशन उसका आना जाए। आपने आज तक जितनी भी मेरी न्यूज़ देखी होंगी उसका मैंने प्रूफ दिया है, उसका पता भी आपको चल गया होगा कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसका कहीं ना कहीं सच है। तो यहाँ दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उनको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जो ये स्कीम डाली गई थी वो टेंटेटिव स्कीम थी, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर जो एग्ज़ाम आपके 10 जुलाई से होने थे वो होंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो सिर्फ एक चेक टाइप का था कि अगर शासन स्तर से यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिल जाती है तो आपके एग्ज़ाम 10 जुलाई से होंगे, पहली चीज़। दूसरी बात, अभी अभी बिल्कुल एक कमेटी बनाई गई है, उसका लेटर आ गया है, उसमें अपने कानपुर यूनिवर्सिटी की माननीय वाइस चांसलर महोदया भी हैं उस कमेटी में। वो कमेटी शासन को ये बताएगी कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराए जाएं या ना कराए जाएं, मतलब वो कमेटी शासन को ये बताएगी कि आपके एग्ज़ाम कराए जाएं या ना कराए जाएं या आपको प्रमोट किया जाए। उसका निर्णय जो है वो 3 दिन के अंदर, वो अपना निर्णय जो कमेटी है वो शासन को अपना निर्णय 3 दिन के अंदर सबमिट कर देंगी, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक वो अपना निर्णय सबमिट कर देंगी और ट्यूसडे या उसके आने वाले समय में आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए अभी किसी भी प्रकार की भ्रामक स्थिति में आप लोग ना पड़िए, बस अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाता है तो बहुत ही अच्छी बात, और अगर नहीं किया जाता है तो फिर आपको जो आपने अपनी तैयारी जारी रखे होंगे या कर रहे होंगे वही आपकी मदद करेगी। तो मुझे आशा है कि मेरी इन इंफॉर्मेशन से आप लोगों को लाभ मिलता होगा, और जैसे ही मुझे पता चलता है तैसे ही मैं ये न्यूज़ अपडेट करके आप लोगों के लिए ले आता हूँ। तो आप लोग इधर उधर की भ्रामक स्थिति में ना पड़ के जो भी चीज़ ऑथेंटिक होगी मैं आपको अपने चैनल के द्वारा आप लोगों को सूचित करता रहता हूँ, और ज़्यादा हो सके तो जितने भी बच्चे हैं उनको इसमें जोड़िए इस चैनल में, क्योंकि जो भी न्यूज़ मैं बताता हूँ कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई चीज़ ऑथेंटिक ही होती है। तो थैंक यू।